हाय फ्रेंड्स, आज एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम गोदाम वायरिंग करना सिखाएंगे। गोदाम और अगर चार बल्ब आपको जलाना है तो तीन टू वे स्विच, और पांच बल्ब जलाना है तो चार टू वे स्विच का प्रयोग करें। जितने बल्ब बढ़ाएंगे उतने एक कम टू वे स्विच रखेंगे और रखेंगे। हमारा टू वे स्विच काम किस प्रकार करता है, यहाँ ग्रेट वाइट लिखा हुआ है। अगर इसको नीचे हम पुश करते हैं नीचे, तो ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अगर हम इसको ऊपर पुश करते हैं तो ये दोनों नीचे वाले पॉइंट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ कॉपर के वायर लिए, टुकड़ा लिए। चलिए वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। वन वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे टू वे स्विच को। चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, टू वी स्विच के बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे इसको। अब हम दूसरा वायर का टुकड़ा लेंगे, टू वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे इसको। यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट से इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कर लिया। उसके बाद दूसरे टू वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट से इसको कनेक्ट करेंगे। अब हम लास्ट वाले टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट से इसको कनेक्ट करेंगे। हमारा टू वे स्विच कनेक्ट हो चुका है, ठीक। अब यहाँ पर हम बल्ब का कनेक्शन करेंगे। यह हमारा फर्स्ट बल्ब का कनेक्शन करेंगे। बल्ब का जो फेज होता है वो फेज को हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, फर्स्ट बॉल के फेज को। इसका कनेक्शन हो गया फर्स्ट बॉल, ये बच गया इसका न्यूट्रल। न्यूट्रल और न्यूट्रल चारों बॉल का न्यूट्रल को एक साथ कनेक्ट करेंगे। चलिए ये हमारा दूसरा बॉल्ब है, ये फर्स्ट बॉल, ये दूसरा बॉल्ब। चलिए दूसरे बॉल्ब के एक पॉइंट को हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ से कनेक्ट करेंगे। बॉल का फेज कनेक्ट हो चुका है। ये हमारे तीसरा बॉल का वायर, ये हमारा तीसरा बॉल का फेज को लास्ट वाले स्विच के ऊपर या नीचे वाले पॉइंट से कहीं से कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब बच गया इसका न्यूट्रल। न्यूट्रल को अलग रखेंगे, न्यूट्रल चार बॉल के न्यूट्रल को एक साथ कॉमन करेंगे। अब ये हमारा चौथा बॉल, इसका हम फेज का कनेक्शन करेंगे स्विच के नीचे वाले पॉइंट से। यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। चलिए कनेक्ट कर लेता हूँ। वो चार बॉल के न्यूट्रल को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे। ये हमारा एक ये बॉल का न्यूट्रल, ये इस बॉल का न्यूट्रल ग्रीन हरा, ये इस बॉल का न्यूट्रल दो न्यूट्रल, एक ये रहा तीसरे बॉल का न्यूट्रल और एक ये रहा चौथे बॉल का न्यूट्रल। चारों को एक साथ कनेक्ट करेंगे। न्यूट्रल हमारा कॉमन हो गया, न्यूट्रल डायरेक्ट रहेगा, ठीक है। चारों न्यूट्रल को हम एक साथ कनेक्ट कर लें, ठीक है। हमारा चार बॉल रहा, चारों न्यूट्रल को एक साथ कनेक्ट। अब हम इसमें मेन लाइन जोड़ेंगे। मेन लाइन जोड़ने के लिए हम यहाँ पे एक टू पिन कनेक्टर का प्रयोग कर रहे हैं। इसका जो फेज होगा, फेज का कनेक्शन स्विच के हम नीचे वाले पॉइंट से यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे।
चलिए फिर चार कनेक्शन कर लिए, बस यहाँ न्यूट्रल, न्यूट्रल वायर को डायरेक्ट करना है। न्यूट्रल वायर ये हमारा, इसको हम डायरेक्ट चारों बॉल के न्यूट्रल से जोड़ देंगे। ये हमारा वायरिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसका टेस्टिंग करेंगे। चलिए अब हम इसका टेस्टिंग करते हैं, पहले इसको सही से रख लेते हैं। ये हमारा चार बल्ब हुआ, ठीक है, इसको स्विच को पलट लेते हैं पहले इसको। चलिए अब हम इसका टेस्टिंग करते हैं, इसको चारों को हम एक साथ पलट लेते हैं, पहले सीधा से रख लेते हैं इसको, सही से रख लेते हैं इसको, चारों स्विच को सीधा से रख लेंगे। चलिए हम इसका टेस्टिंग करेंगे, ये हमारा अभी ऑफ है, कोई बॉल नहीं चलेगा। इसको ऑन करते ही एक बॉल कोई चल जाएगा, एक वो लास्ट बॉल हमारा जल गया। चलिए इसको हम ऊपर पुश करेंगे तो ये बॉल जल गया, इसको हम ऊपर पुश करें तो ये बॉल हमारा जल गया, इसको ऊपर पुश करें ये बॉल जल गया, ये बंद, ये बॉल जल गया, इसको हम ऑफ करें तो ये बॉल ऑफ हो गया, इसको अगर बंद कर दें तो कोई बॉल नहीं जलेगा, इसको ऑन करेंगे तभी एक बॉल कोई जलेगा। उसके बाद इसको ऑन करेंगे तो ये वाला बॉल हमारा जलेगा, इसको ऑन करेंगे ये हमारा दूसरा बॉल जलेगा, ये बॉल जला। उसके बाद इसको ऑन करेंगे तो दूसरा बॉल हमारा जलने जला, इसको ऑन करेंगे ये बॉल हमारा जला। चलिए इसके वायरिंग के बारे में समझा देते हैं। अगर हम इसको ऑन करेंगे, इसको ऑन करेंगे तो इससे हमारा करंट इधर फ्लो हो जाएगा, जिससे यहाँ फ्लो होगा। अगर हम इसको ऊपर पुश कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, जिससे हमारा करंट आगे फ्लो होगा। अगर इसको हम ऊपर पुश किए इसको भी, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, जिससे हमारा करंट आगे फ्लो होगा। अगर ये ऊपर है, अगर ये ऊपर है तो ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, जिससे हमारा सॉरी अगर ये ऊपर है तो ये दोनों कनेक्ट, ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, जिससे हमारा ये बल्ब जल जाएगा। अगर ये नीचे है तो ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, जिससे हमारा वो बल्ब जल जाए। अगर आप इलेक्ट्रिक संबंधित वीडियो देखना पसंद करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।